काशी, बनारस, वाराणसी कुछ भी कहिए, ये नगर जितना अपने ट्रेडिशन के लिए फेमस है, अपने मंदिरों, घाटों और गलियों के लिए फेमस है, उतना ही अपने खानपान और फूडिंग के लिए भी फेमस है। बनारसी पान, बनारसी लस्सी, बनारसी ठंडई, बनारसी चाट और न जाने क्या क्या। तो आज उसी क्रम में मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बनारस का एक बहुत ही फेमस नाश्ता, जिसका कि सर्दियों में बहुत ही यूज़ होता है ब्रेकफास्ट में और हल्के फुल्के स्नैक्स में, वो है बनारसी चूड़ा मटर। तो आइए चलिए आज हम बनाते हैं बनारसी चूड़ा मटर। नमस्कार, कुकिंग विद दीप्ति में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आजकल मैं विंटर स्पेशल रेसिपीज बना रही हूँ, तो आप जान ही गए होंगे एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे को मैं सर्दियों की स्पेशल रेसिपीज लेके आती हूँ। तो एवरी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की स्पेशल रेसिपी। आज हम बनाएंगे बनारसी चूड़ा मटर बिल्कुल ऑथेंटिक स्टाइल में। तो उसके लिए सबसे पहले हम पैन में एक चम्मच, बड़ा चम्मच देशी घी लेंगे। देशी घी में इस डिश का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो इसलिए आप इसे देशी घी में ही बनाइए तो बहुत अच्छा रहेगा। देशी घी लेंगे और जब हमारी देशी घी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगी तो उसमें हम ये थोड़े से नट्स, यहाँ पर मैंने काजू और किशमिश लिया हुआ है, इन्हें हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब हमारे काजू और किशमिश अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो इन्हें हम निकाल करके साइड में रख देंगे और फिर इनका हम आगे यूज़ करेंगे। और फिर इसी में हम और कुकिंग ऑयल या देशी घी ले लेंगे, दो बड़े चम्मच के लगभग लेंगे। और फिर जब हमारा ये घी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब हम इसके फ्लेम को मीडियम टू लो कर लेंगे। हाई फ्लेम पर इसको हम नहीं बनाएंगे, मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे। और फिर हम इसमें आधा चम्मच जीरा और 3-4 कटी हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे और बिल्कुल बारीक कटा हुआ 1 इंच अदरक का टुकड़ा। हरी मिर्ची की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर मैंने बिल्कुल फ्रेश हरी मटर लिया हुआ है 1 बाउल, वो हम इसमें ऐड करेंगे और नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। और फिर हम इसमें आधा चम्मच शुगर चीनी ऐड करेंगे और फिर इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से मिला लेंगे और इन्हें हम कवर करके 5 मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक कि हमारे मटर अच्छी तरह से सॉफ्ट न हो जाए। बीच बीच में हम इन्हें चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे लगे ना। ये मटर बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, फ्रेश मटर है, बहुत ही जल्दी से पक जाते हैं, तो इन्हें पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जब से हमारे मटर पक रहे हैं, मैंने यहाँ पर 1.5 कप पोहा लिया हुआ, ये मीडियम साइज के पोहे हैं। इन्हें अच्छी तरह से साफ़ करके धुल करके हम साइड में रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए कि अच्छी तरह से फूल जाए। देखिए लगभग 5 मिनट हो गए हैं और हमारा मटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। देखिए उंगलियों से बिल्कुल आसानी से ये मुलायम हो गया है। फिर हम इसमें थोड़े से चॉप्ड किए हुए हरे धनिया ऐड करेंगे, बारीक कटी हुई हरा धनिया ऐड करेंगे और फिर हम यहाँ पर फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। और फिर हम इसमें जो हमने ये भिंगो करके ये पोहे रखे हुए हैं वो ऐड करेंगे। एक बात का और ध्यान रखेंगे कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और फिर हम इसमें नमक ऐड करेंगे, ध्यान देंगे कि नमक हमने मटर में भी ऐड किया हुआ है, तो हल्का सा नमक ऐड करेंगे। और फिर 1 चम्मच क्यूमिन जीरा पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच हम चाट मसाला पाउडर ऐड करेंगे और 1/4 चम्मच हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। और फिर इन सारी चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये रेसिपी बहुत जल्दी झटपट से बन जाती है। फिर इसे हम कवर करके 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि सारी चीज़ों का फ्लेवर आपस में अच्छी तरह से आ जाए, सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और उनका फ्लेवर निखर के आए। और लास्ट में ऊपर से हम इसमें कुछ देसी घी ऐड करेंगे और थोड़े से कटे हुए हरे धनिए इसमें ऐड करेंगे और फिर इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद फिर इनमें हमने ये जो फ्राई करके काजू और किशमिश रखे हुए थे वो ऐड करेंगे। इन्हें ऐड करने के बाद हम आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे कवर करके लगभग 1 मिनट के लिए रखेंगे और यहाँ पर फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। 1 मिनट के बाद देखिए हमारा ये चूड़ा मटर बिल्कुल रेडी हो गया है सर्व करने के लिए। देखने से कितना टेम्पटिंग लग रहा है और खाने में भी बहुत अच्छा होता है और झटपट से 10 मिनटों में बन के ये तैयार हो जाता है।
तो इस बार सर्दियों में आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से बनारसी चूरा मटर की रेसिपी। सच मानिए आपको बहुत ही पसंद आएगी। सर्व करते समय इसे हम नींबू के रस के साथ सर्व करेंगे। लीजिए बस हमारा ये बनारसी चूरा मटर बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अपने फ्रेंड और फैमिली के संग जरूर से शेयर कीजिएगा और अपने फीडबैक देना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।